जीवन धारण। पिता विश्वनाथ के आमंत्रण पर माता भुवनेश्वरी देवी की संग आप आ रहे थे रायपुर। मैं रायपुर सवार आपने देखा एक अद्भुत जगह। रास्ते में कुछ बुदबुदाते हुए मिले विंध्यवत क्षेत्र के छोटे बड़े पर्वत। ये पहाड़ कहीं गलवा ही दिए तो कहीं एक दूसरे से मुंह पंक्तिबद्ध बैलगाड़ियों के सबसे अंतिम बैलगाड़ी में स्वामी जी थे अकेले। वन के भीतर देखा कैसे कैसे रूपाकार वृक्ष पत्तों की खुशाहट और सरगोशियां मानो कुछ कह रही हो। लगता ऐसे जैसे स्वर्ग से उन वृक्षों पर आवरण छा गया हो भगवत कृपा का। लंबे लंबे तरुवर मानो स्वर्ग की सीढ़ी हो। जीवन सभी जैसा पक्षियों को कर रहा हो कौन सृष्टा और वो माया के आकाश पर छिपका था कौन चित्रकार इसका। वृक्षों के बीच से छलका आकाश अंधकार आलोक का तिरस तभी देखा नरे ने दो चट्टानों के बीच मधुमक्खियों का साम्राज्य एक विराट चट्टान। कोई लाखों से गाय सबके लिए आवाज भोजन पर सूक्ष्म परिष्कृत करना निर्माण की वही कल्पना। ये साम्राज्य तैयार कर रहा है मधु। मधुमक्खियां सोचती है ये छत्ता उन्होंने बनाया और भविष्य के लिए संचित कर रही है मधु। पर क्या सचमुच ये छत्ता उन्होंने ही बनाया या कि वे किसी और के यंत्र मात्र है। कौन दे रहा है सूर्य को प्रकाश रात्रि को छाया। कौन रच रहा है पवन के झरों और चल बिंदुओं की माया। कभी माया अपने रचयिता को बेहद सीमित रूप में तो नहीं देखा। ये मधुमक्खी ये छत्ता ये मधु सृष्टा की शक्ति की चरम सीमा तो नहीं। उसने रचे हैं ऐसे करोड़ों जीव बनाए करोड़ों ब्रह्मांड और एक एक ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह उपग्रह। कौन है वो रचयिता जिसकी सृष्टि का मैं एक छोटा सा कण। बंद हो गई नरेंद्र की आंखें लुप्त हो गई पानी की दीप होकर भीतर भीतर देखा चारों ओर प्रकाश। कभी वो सारा प्रकाश बिखर जाता दिख दिखा क्यों तो कभी स्वयं उस प्रकाश में समा कर नरेंद्र हो जाता भी। चेतना लौटने पर देखा क्षमता छूट गया कहीं बहुत पीछे। ईश्वर ईश्वर और ईश्वर इसी ईश्वर की खोज में तो भटकी है ना शैश अवस्था से। कभी ब्रह्म समाज कभी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर केशव चंद्र सेन प्रताप चंद्र मजूमदार हर किसी से एक ही सवाल ईश्वर को देखा आपने। जवाब मिला नहीं। विद्वान दार्शनिकों ने कहा ईश्वर भी देखे ध्यान को विधि से। किसी ने कहा ईश्वर दर्शन है पूरा काल की मते। इस युग में ईश्वर दर्शन असंभव। दैत्य नरेंद्र ने गलत कर रहा। काल परिवर्तन से ना ईश्वर का रूप बदलता है ना प्रकृति का नियम। यदि ईश्वर का साक्षात्कार कल तक संभव था तो आज भी होना चाहिए नहीं तो क्या था व्यर्थ के अंधविश्वास को पाने से। अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार कल तक संभव था तो आज भी होना चाहिए नहीं तो क्या था व्यर्थ
के अंधविश्वास को पाने से अपने भीतर भीषण झंझट हुई। स्वामी जी पहुंचे गंगा तट पर। अंधकार में गंगा के वक्ष पर तैरते कुछ वज्रों की रोशनी के सिवाय उस निराता का साक्षी कोई नहीं। इतनी दूर से वज्रों में टंगी लालटेन देखकर ये पहचान लेना बेहद मुश्किल कि कौन है इस बच्चे में। इसके लिए कुंडला का जल मेरे कुंडला जल एक वज्र था, बाकी सभी वज्रों से दूर। बाकी वज्र के भीतर जाकर देखा, ध्यानस्थ बैठे हैं महर्षि देव नाम ठाकुर। ने इस दिव्य अवस्था में नरेंद्र को पहचान कर देवर्षि ने पूछा, क्या बात है? नरेंद्र ने पूछा, महर्षि आप मेरे क्या विष्णु? देवर्षि बोले, तुम ध्यान किए निशब्द नरेंद्र ने मुड़कर छलांग लगाने पर कहा, जिसने दोबारा की कीमत को नहीं देखा वो क्या करेगा मेरी सहायता में। गंगा तट पर आकर सोचा, जाना तो हुआ उसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पुजारी के पास जिसे लोग कहते हैं परम पुरुष। हाँ, ठाकुर को देखकर उत्तर सात्विक मन की शुद्धता और लगता है उनके बालक जैसे सहज भाव, सहज आकर्षण, सहज आत्मीयता। यानी ईश्वर दिखेंगे वही पर। स्वामी जी पहुंचे दक्षिणेश्वर। पहली दृष्टि से ठाकुर स्वामी जी को देखकर होंगे भाव लगा जैसे युग युग से प्रतीक्षा जी होने की। ठाकुर ने कहा, नारेंगा सकता हूं मैं अपने पिता के मृत्यु के बाद भाई बहनों
kucing tadi itu kena timur dalam ini kena dijatuh di kucing dia bisa berusaha kaya tidak jadi kucing yang ini pasti macam mungkin dia sebenarnya begitu baik berusaha mana nanti baik ini dapat sebusa dapat kucing ini देखा इसका जो जगत पे नहीं है कोई स्थान गरीब दुर्बल और परित्यक्त के लिए जो कुछ दिनों पहले मेरे सानिध्य को अपना घर समझते थे उन्होंने भी मुंह फेर लिया कठोर दास ये संसार मुझे शैतान की सृष्टि दिखाई दे रहा है एक दिन चलती हुई दोपहरी में जब मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था एक सामान की छांव में बैठ गया वहां बैठे मेरे भीतर करने लगे भगवान की अपार करुणा का गान मैंने चित्कार कर कहा बंद करो ये गान अरे तो वहां से जोर करता है कि मुझको जब कहा जाता तो देखता मेरे भाई बहनों को मां कहती रहती तो वो देखो नरेंद्र जी का आया मैं तुम सबके लिए राह को सब बात बताते मैं तो घर गली में जाकर रोता सिर्फ तो रोता ईश्वर के प्रति ऐसा तो प्रचंड विद्रोह हो गया मेरे मन में Thank you.